अब रुखसती का फंक्शन अलहदा से होगा क्या? तुम्हें क्या हो गया रुबाब? उनका बाप मर गया है और तुम मुसलसल एक ही बात किए जा रही हो। तो जो बच गए उन्हें क्यों मार रहे हैं? शुक्र है अंकल निकाह करवा कर गए। फैसल की अम्मी निकल आए इस दुख से, फिर बात करती हूँ उनसे। जाहिर है मरियम अब उन्हीं की अमानत है, निकाह तो हो चुका है दोनों का। अम्मी आंटी को होश आने दे, फिर आप देखिएगा कैसे इस मौत की जिम्मेदारी आप ही पर डालती हैं। रबाब, ऐसी बातें कर रही हो रबाब? आप ही मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। या तुम्हारे निकाह पे साइन हुए वो अंकल की जान निकली, उन्होंने तो यही कहना है ना कि बहू के कदम पड़ते ही। अब हम क्या कर सकते हैं? ये सब खुदा के फैसले, हमारा इम्तिहान कम हुआ है क्या? अम्मी मैं नहीं कह रही, बराबर वाली आंटी आई थी वो कह रही थी कि कहीं फैसल भाई की अम्मी तो ये सब नहीं कह रही। कहने दो उन्हें, खुदा के इम्तिहान से डरना चाहिए उन्हें। खुदा किसी पे ये वक्त ना लाए जो हम पे आया। लोगों के मुंह की मौत के दिन ही बन रहे, उससे पहले नहीं रुक। मैंने बात की थी फैसल से। क्या कहा फिर उसने? सुना आंटी की तबीयत जैसी सेटल होती है वो किसी भी दिन ले जाएगी मुझे। जाहिर है बेटा, अभी तो उनके अब्बू का कफन भी मैला नहीं हुआ होगा। लेकिन हमारी शादी के कपड़े बहरहाल जरूर मैले होंगे। खुदा किसी को इस इम्तिहान में ना डाले। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई।